नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑलवेज इफेक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेन ड्राइव से हम फॉर्मेट कैसे करते हैं। ये हमारे पास में एक छोटी सी पेन ड्राइव है जिसको हमने फॉर्मेट करना है और उसके बाद में इसमें मैंने विंडोज इंस्टॉल करनी है, विंडोज 10, जिसका कि यूज हम प्रॉपरली करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली हम विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे एक पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों ये रूफस सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री डाउनलोड कर सकते हैं आप, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा जिसके थ्रू आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। ये देखिए, मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, इस टाइप से ये मैंने क्लिक कर लिया है और ये हमारी पेन ड्राइव ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाती है। यहाँ से क्या होता है, ये बूटेबल जो सिलेक्शन होता है ये सिर्फ ISO इमेज को ही पिक करता है, यानी कि ISO इमेज ही आपकी होगी तभी ये बूटेबल पेन ड्राइव को रीड कर पाएगा या बूटेबल बना पाएगा। इसके लिए हमें करना क्या होता है, ये बूटेबल सिलेक्शन जो होता है इसके बगल में ये चीज जो होती है क्लिक टू सिलेक्ट इमेज, इसको आपने सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस वाली इमेज को। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास में दो फाइलें हैं, एक तो ये वाली फाइल है ISO इमेज है, एक 2000 का लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। दोस्तों अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इस पे क्या है, ये डोंगल के साथ में रन करता है, बूटेबल होती है और विंडोज पे डोंगल इसी के ऊपर ही रन करता है ज़्यादातर, तो इसका हम यूज करेंगे। ये देखिए इसको मैंने ले लिया है, ओपन कर लिया है। अब ये पार्टिकेशन स्कीम जो है इसकी, ये आपको ऐसे ही रखनी है, UEFI मोड आपको रखना है और वॉल्यूम लेवल आप जो भी करना चाहते हैं, यानी कि वॉल्यूम लेवल ऑलरेडी मेरा जो दिया हुआ है वो भी रख सकते हैं और चाहे तो आप नाम चेंज करके भी रख सकते हैं। तो ये मैंने इस पे नाम रखा हुआ है, इसको मैं बूटेबल भी कर देता हूँ, बूटेबल पेन ड्राइव इस टाइप से मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे रेडी का ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली हमने स्टार्ट कर देना है। ये देखिए ओके, ये देखिए ये आपकी पेन ड्राइव बन रही है, क्रिएट फाइल सिस्टम टास्क 2.5 की, ये ISO फाइल को ले रहा है। ये थोड़ा सा समय आपका लेगा क्योंकि इसमें जो बूटेबल पेन ड्राइव आप बनाते हैं इसका यूज इसलिए होता है दोस्तों कि आप नॉर्मली हार्ड डिस्क लगाते हैं, कई बार हार्ड डिस्क में क्या होता है कि बूटेबल पेन ड्राइव का यूज ज़्यादा फास्ट होता है और हार्ड डिस्क में जो हमारी जो ना डिस्क जो लगी होती है उसमें स्लो फॉर्मेट होती है मशीन आपकी, और कई बार ऐसा होता है हार्ड डिस्क के ऊपर या आपकी DVD के ऊपर स्क्रेच आ जाते हैं जिसकी वजह से आप अपनी DVD के थ्रू मशीन को फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं, जबकि पेन ड्राइव के थ्रू आप इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं और इसमें बहुत ही फास्ट फॉर्मेट होता है। तो ये चीज़ जो ना जानने वाली होती है दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी पेन ड्राइव में एक या दो पेन ड्राइव में बूटेबल Windows 7 या कि ISO फाइल या जो ना विंडोज 10 की ISO फाइल हमेशा रखें ताकि आप मौके पर पेन ड्राइव का यूज कर सकें। देखिए अभी हमारी पेन ड्राइव बन रही है और थोड़ा टाइम आपको लगेगा और उसके बाद में ये आपकी पेन ड्राइव बन जाएगी। ये देखिए ये बड़ी जल्दी आपकी पेन ड्राइव बनती जा रही है। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप लोगों के लिए ताकि आप इसका यूज कर सकें और अपने सिस्टम वगैरह को फॉर्मेट कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में 300 से 400 रुपये, 400 से 500 रुपये भी ले लेते हैं लोग फॉर्मेट करने के, तो इसको आप खुद ही फॉर्मेट कर सकते हैं जो कि आना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। दोस्तों ये हमारी पेन ड्राइव रेडी हो चुकी है ना, इससे हम विंडोज को फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए
ये आपकी बन चुकी है बूटेबल पेन ड्राइव ये वाली। आने वाले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि विंडोज 10 हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे फॉर्मेट करते हैं सिस्टम को। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।